हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम के इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं दोस्तों, मॉडल नंबर से लेकर रैम वगैरह वगैरह, हार्ड डिस्क और भी जो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप कैसे देख सकते हैं दोस्तों, तो मैं आपको कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए दोस्तों। तो आप चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो पहला तरीका तो यही है दोस्तों कि आप अपने जस्ट माई पीसी जो लिखा रहता है, उस पर राइट क्लिक करने के बाद में आप जस्ट प्रॉपर्टीज पर जाएं, तो आपको यहाँ पर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों, जैसे कि प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है दोस्तों, कितनी रैम इंस्टॉल की हुई है, आपका सिस्टम कौन कितने बिट का है दोस्तों। तो आप जस्ट यहाँ पर सब कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो तरीका दोस्तों है, तो आप अपने जस्ट विंडो नीचे विंडो आइकन रहता है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप जस्ट रन विंडो आर दबा के आप जस्ट सीएमडी ओपन कर लीजिए दोस्तों। सीएमडी ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा दोस्तों। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद में जस्ट आपको यहाँ पर टाइप करना होगा दोस्तों। टाइप करना है दोस्तों आपको सिस्टम SYSTEMINFO दोस्तों, सिस्टम इन्फो आपको टाइप करना है दोस्तों। तो आपके ये लोडिंग लेगा दोस्तों, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा दोस्तों। और दोस्तों जो सबसे अच्छी ट्रिक है दोस्तों अपने कंप्यूटर या पीसी की जो भी स्पीसीज जानने के लिए दोस्तों, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखा देगा, प्रोडक्ट आईडी वगैरह सब कुछ दोस्तों। तो यहाँ पर आप इसका भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम नेक्स्ट ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों, बहुत सारे थोड़ी बहुत ट्रिक बताएंगे दोस्तों आपको, जिससे आप एक में तो आप कर ही सकते हैं। तो दोस्तों जस्ट आपको सेटिंग में जाना है अपने कंप्यूटर की में, जस्ट आप सेटिंग जो विंडोज 10 की जो सेटिंग न्यू आई है दोस्तों, तो आपको सेटिंग में जाने के बाद में जस्ट सिस्टम जो सबसे फ्रंट में लिखा है उस सिस्टम पर जाना है, और सबसे नीचे अबाउट सेक्शन में जाना है दोस्तों। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद में आप यहाँ पर भी अपने सिस्टम के इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं दोस्तों। अबाउट सिस्टम में जाने के बाद में जैसे कि डिवाइस नेम हो गया, प्रोसेसर वगैरह, इंस्टॉल्ड रैम, डिवाइस आईडी वगैरह आप यहां पर भी देख सकते हैं दोस्तों। और नीचे क्लिक करेंगे तो आपका जो बता देगा कि विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कौन सा है या दोस्तों, तो यहां से भी आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट तो दोस्तों तरीका है दोस्तों, तो आपको जस्ट अपने कंप्यूटर या पीसी के विंडोज ऑप्शन पे जाना होगा दोस्तों, विंडो की प्रेस करनी होगी और जस्ट आपको सर्च में टाइप करना होगा MS Info दोस्तों। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन के नाम से आप यहाँ पर वो आ जाएगी दोस्तों, एक टैब आ जाएगी, तो आपको बस क्लिक करना होगा दोस्तों। उस पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है और आपके सिस्टम की सारी जानकारी यहाँ पर दोस्तों ये बता देगा, जैसे हमने पिछले कमांड प्रॉम्प्ट में देखी थी दोस्तों। तो आपको जस्ट सारी जानकारी यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह कैसे दिख जाएगी दोस्तों, हार्डवेयर रिसोर्सेस वगैरह और कंपाउंड्स वगैरह सारी की सारी जानकारी आपको दिख जाएगी, आपके मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ दिख जाएगा दोस्तों इसमें आपको। और नेक्स्ट जो ट्रिक है दोस्तों, तो वो आपको गीकवेंच नाम से एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, गीकवेंच 4 नाम से एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। गीकवेंच 4 आप जैसे देख सकते हैं, तो इस गीकवेंच 4 नाम के सॉफ्टवेयर को दोस्तों आपको नेट से इंस्टॉल करना होगा दोस्तों। आप जस्ट इंस्टॉल गीकवेंच 4 विंडोज 10 डालेंगे तो उसमें ये आ जाएगा नेट पर दोस्तों। तो आपको जस्ट गीकवेंच 4 नाम से इसको सर्च करना होगा दोस्तों। गीकवेंच 4 नाम से सर्च करने के बाद में जस्ट इसको आपको रन करना होगा। रन करने के बाद में आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा आपके कंप्यूटर की, जो सारी इन्फॉर्मेशन हमने पहले भी देखी थी दोस्तों, तो ये सारी मेन इन्फॉर्मेशन आपके मदरबोर्ड वगैरह से रिलेटेड दे देगा दोस्तों। और नेक्स्ट ट्रिक ये है दोस्तों कि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम में जस्ट विंडो ओपन करने के बाद में विंडोज बटन दबाने के बाद में HP सपोर्ट सिस्टम सर्च करेंगे, सर्च में डालेंगे HP सपोर्ट असिस्टेंट दोस्तों, और इस पर ओके क्लिक करेंगे दोस्तों। ओके पर जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको जस्ट ओपन ये हो जाएगा। तो जैसे मेरे कंप्यूटर में ओपन हो चुका है, तो नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारी जानकारी दे देगा दोस्तों, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम की जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पर आपको दे देगा दोस्तों। अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम HP का है दोस्तों, तो अगर आपका कंप्यूटर दूसरी कंपनी का है दोस्तों, जैसे कि डेल वगैरह का है, तो उसमें भी आपको ऐसे सपोर्ट असिस्टेंट भी देखने को मिलती हैं दोस्तों, पर उनके अपने कुछ असिस्टेंट होती हैं दोस्तों। तो इसमें भी आपको प्रोडक्ट नंबर, सीरियल
की वगैरह आपको जो है देखने को मिल जाएंगी दोस्तों, वारंटी वगैरह भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हर कंपनी का अपना एक सपोर्ट सिस्टम होता है दोस्तों। मेरा लैपटॉप HP का है तो ये HP सपोर्ट असिस्टेंट है दोस्तों। आपके पास जिस भी कंपनी का लैपटॉप हो वो आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें सारी की सारी जानकारी आपको इसमें भी मिल जाएंगी दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी दोस्तों अपने कंप्यूटर की। और दोस्तों अगर आप मोबाइल के ऐसे स्पीसीज जानना चाहते हैं, मोबाइल का इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, प्रोसेसर से लेकर रैम वगैरह सारी जानकारी दोस्तों जानना चाहते हैं, आप किसी दूसरे के मोबाइल की जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जस्ट हमें कमेंट में टाइप करके बताइए दोस्तों, हम आपके लिए एक वीडियो एक्स्ट्रा नेक्स्ट बनाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।